and welcome to learn editorial as i've already told you the editorial and the things like this editorial in the hindu and opinion in the tribune these are the pages which are often used by the people who are practicing and preparing for the government jobs because their vocabulary is asked every now and then Every now and then, every now and then, and the content which is written in these articles is very useful for reading skills and as well as writing skills. Okay, so let us start. In today's article, we have something which is related to the Supreme Court's verdict, they gave about how this discrimination is being used or. Uh, इन जेल्स तो जेल में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ है ओके ऑन द स्क्रीन द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट जस्ट मूवमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रूलिंग ओके रीसेंट का मतलब होता है अभी अभी ताजा ताजा जस्ट अभी हुआ है एंड रूलिंग पहला वर्ड आता है रूलिंग का मतलब होता है वर्डिक्ट और वर्ड का मतलब होता है एक जजमेंट जजमेंट एक मतलब एक न्याय की भाई ये कह दे कि ऐसा होगा तो द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग दूसरा वर्ड दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सुप्रीम कोर्ट आई एस आर ओ द बी जे पी कांग्रेस ये भी ग्रुप्स हैं ये तो किसी भी ग्रुप से पहले हमेशा क्या आता है द आता है चाहे वो पार्टी हो चाहे वो जैसे सुप्रीम कोर्ट है द सुप्रीम कोर्ट ओके द बी जे पी द कांग्रेस द आई एस आर ओ द नासा ओके ग्रुप से पहले द इवन द कंट्रीज जिनका ग्रुपिंग नेम होता है ना जैसे द यू एस यूनाइटेड यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यू के यूनाइटेड किंगडम तो उसमें भी द हो जाता है द यू के द यू एस ए द यू एस एस और द यू ए सौ आगे चलते हैं लेट्स मूव द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग ताज़ा ताज़ा जो रूलिंग हुई है वर्डिक्ट है विच बैन्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स जिसने विच मतलब जिसने ठीक है जिसने या जो से रिलेटेड है तो जिसने क्या करा है जो यानी कि जिसने बैन करता है जो किसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन इज अ मोन्यूमेंटल स्टेप ये बड़ा ही बहुत ही अच्छा स्टेप है मोन्यूमेंटल मतलब बहुत अच्छा मोन्यूमेंटल के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं मोन्यूमेंटल के लिए हम लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ठीक है क्रूशल uh, क्रूशल और हिस्टोरिक हिस्टोरिक तो हिस्टोरिक स्टेप है क्रूशल स्टेप एक बहुत ही बड़ा अहम एक स्टेप है ठीक है कदम है किसकी तरफ कदम है इज़ ए मोन्यूमेंटल स्टेप टूवर्ड्स डिसमेंटलिंग एंट्रेंसड सोशल इक्वालिटीज़ ठीक है इंट्रेंसड मतलब होता है कोई चीज़ जो दबी हुई है मतलब एक तरह से गड़ी हुई है जिसको आप निकाल नहीं सकते उखाड़ नहीं सकते तो जो सोशल इनवालिटीज़ जो गड़ी हुई हैं उनको डिसमेंटल करना है डिसमेंटल मतलब होता है हटा देना तोड़ देना उखाड़ फेंकना ओके सो इज़ अ मॉन्यूमेंटल स्टेप टूवर्ड्स डिसमेंटलिंग इन सोशल इनक्वालिटीज जो सोशल इनक्वालिटीज़ हैं उनको निकाल फेंकने के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है डिसमेंटलिंग उखाड़ फेंकना अच्छा टू के बाद आईएनजी आता है टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स एक नाउन आता है टू की तरफ ओके okay? तो ये भी नाउन है आई लगाने से नाउन बनता है जिसको इंग्लिश में जेरेंड बोत है आगे चलते uh, ये द ऑर्डर नहीं है दी ऑर्डर है क्योंकि ऑर्डर से पहले ओ है दी ऑर्डर ऑर्डर राइटली मतलब होता है एम्फेसाइज करना जोर देना emphasize. Emphasize करना जोर देना प्रेशराइज करना तो ये जो ऑर्डर है ये राइटली अंडर स्कोर करता है इनहेंस करता है बताता है उजागर करता है दैट इवन प्रिजनर्स हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी डिग्निटी मतलब होता है गरिमा इज्जत सम्मान गरिमा तो जो डिग्निटी है उनके साथ उन्हें जीना ये अंडरस्कोर करता है कि किस दैट इवन प्रिजनर्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी कि जो प्रिजनर्स है ना उनके पास भी डिग्निटी से जीने का सम्मान के साथ जीने का राइट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है द एस कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिविजन ऑफ द प्रिजन मैनुअल्स uh, रिविजन मतलब होता है रिवाइज़ करना चेंज करना जो कोई गड़बड़ी है उसको अमेंड कर देना तो जो मैनुअल्स हैं मैनुअल मतलब जो रूल्स लिखे हुए हैं अक्रॉस द स्टेट्स अक्रॉस स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में जो प्रिजन के हिसाब से जो भी रूल्स लिखे हुए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश के रूल हैं आई के अंदर रूल्स हैं ठीक है इस तरह हर जगह के जो अपने अपने कुछ क़ायदे कानून होते हैं तो जो प्रिजन मैनुअल्स हैं उनके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशन उनको मैंडेट करना है मैंडेट मतलब उनको ज़रूर रिवाइज करना है रिविजन करना है उनका एंड क्वेश्चन आउटडेटेड प्रोविजन क्वॉश करना मतलब होता है जो भी कोई चीज़ हो उस चीज़ को पुरानी चीज़ को हटा देना ठीक है ना मानना है हटाना तो जो ओल्ड या आउटडेटेड मतलब पुराने ओल्ड ओल्ड फैशन आउटडेटेड जो भी प्रोविजन है प्रोविजन मतलब होता है यहां पर इसमें आई एनजी जब कॉम्बे वगैरह के बाद कभी भी आई एन जी लगता है किसी वर्ब में और एक नया सेंटेंस शुरू होता है तो इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए ऐसा करते हुए तो क्वॉशिंग आउटडेटेड प्रोविजन दैट एनफोर्स्ड कास्ट स्टे कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मतलब है अलग अलग करना अलग अलग तो जो सेग्रीगेशन कर रखा है सोसाइटी के अंदर अलग अलग कर रखा है भिन्न भिन्न भिन्नता बना रखी है अलग अलग उसको जो कि एनफोर्स्ड कास्ट बेस्ड सिस्टम की, की वजह से उन आउटडेटेड प्रोविजंस को क्वॉश कर दिया है क्वॉशिंग मतलब क्वॉशिंग करते हुए हटाते हुए ये कहा है इन लेबर असाइनमेंट्स एंड हाउसिंग अरेंजमेंट्स जो भी जैसे घर के अंदर लेबर लेबर मतलब मेहनत असाइनमेंट मतलब होता है काम ठीक है और हाउसिंग अरेंजमेंट्स मतलब वही घर के अंदर का काम घर यहाँ पर फिलहाल जेल के हिसाब से हाउसिंग मतलब कोई भी प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हो दैट इज़ हाउस ओके बिल्डिंग वगैरह So, जो लेबर असाइनमेंट दिया जाएगा काम दिया जाएगा उन पे क्या जैसे क्या कर रखा था पहले कि जैसे लोअर लोअर कास्ट का कोई इंसान है वो वहाँ पे जेल के अंदर है तो उसको बोल रखा है आपको टॉयलेट क्लीनिंग करनी है आपको कपड़े धोने ये करना है और जो अच्छी कास्ट के हैं ब्राह्मण वगैरह टाइप हैं या कोई और है जिन्होंने कुछ भी कर रखा है जेल में है वो तो उनको बोल रखा है कुकिंग करने के लिए तो ऐसा क्यों इसी के ऊपर जो है ये मुद्दा चल रहा है जेल एस का सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का केस आगे चलते हैं केस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन प्रिजन ओफन रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट करना मतलब होता है दर्शाना बताना ठीक है दर्शाना तो केस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव भेदभाव केस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन ओफन रिफ्लेक्टेड ब्रोड सोसाइटल बायासेज बायस मतलब भी भेदभाव जैसा ही होता है भेदभाव तो जो कास्ट बेस्ड जो भेदभाव है वो जेल वगैरह के अंदर भी वो बहुत ही बड़े एक ब्रॉडर सोसाइटल बॉड ब्रॉडर मतलब बड़े एंड सोसाइटल मतलब सामाजिक सामाजिक बहुत बड़े सामाजिक जो बायासिस हैं भेदभाव उनको उजागर करता दिखाता है हिस्टोरिकली ठीक है अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो लोअर कास्ट वर फोर्स इनटू मेनियल टास्क मेनियल टास्क मतलब होता है जो हाथ से आपको करना है जैसे लेबर करना है पत्थर तोड़ना है तो लोअर कास्ट को बोला गया था कि फोर्स इनटू मतलब उनसे ज़बरदस्ती ये बोला गया था कि तुम पत्थर तोड़ोगे टास्क लाइक क्लीनिंग टॉयलेट्स वाइल अपर कास्ट वर असाइंड रोल सच इज कुकिंग असर अपर क्लास को कुकिंग वगैरह बता रखी थी द कोर्ट एम्फैटिकली एम्फैटिकली मतलब वही होता है कि जोर देते हुए ठीक है जोर देना जोर तो जो अपर कास्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एम्फेटिकली जोर देते हुए डिक्लेयर डिक्लेयर मतलब अपना दे दिया अपना न्याय बता दिया दैट नो सोशल ग्रुप इज बोर्न एज अ स्केवेंजर क्लास स्केवेंजर कौन होते हैं जैसे कूड़ा वगैरह पड़ा है ना उसमें आप ऐसे ऐसे हाथ उत मार के ऐसे करके कर रहे हो कुछ भी यू आर यू नो सर्चिंग फॉर समथिंग उठा रहे हो उसमें से कुछ भी अरे ऐसे चील बाज वगैरह को भी स्केवेंजर बोल देते हैं क्योंकि वो कोई डेड बॉडी में से चील या बाज उसमें से डेड बॉडी में से ऐसे चोच मार मार के इधर उधर से यू करके उसमें से खरोज खरोज की चीजें निकाल के फिर खाते हैं तो यहाँ पर कूड़ा बनने वाले लोअर कास्ट को कोजर तो क्लास no कोई भी सोशल ग्रुप स्केवेंजर पैदा नहीं हुआ है सोसाइटी ने से बनाया एंड दैट द नोशन ऑफ नोशन मतलब विचार बात नोशन मतलब विचार होता है विचार ठीक है तो ये जो विचार है ये जो नोशन है ये आइडिया है ऑफ सर्टन ऑक्यूपेशन बींग डिग्रेडिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एस्पेक्ट मतलब आप बोल सकते हो हिस्सा यहां पर फिलहाल के लिए ठीक है हिस्सा बोल सकते हो तो जो ये जो ये नोशन है कि सर्टन ऑक्यूपेशन बींग डिग्रेडिंग कुछ ऑक्यूपेशन है डिग्रेडिंग है कुछ ऑक्यूपेशन बड़े तो ये भी अनटचेबिलिटी का ही एक हिस्सा है ठीक है एक्सप्लिसिटली विच इज एक्सप्लिसिटली मतलब होता है क्लियरली साफ साफ जो साफ साफ क्या कर रखा है प्रोहिबिट कर गया, करा गया है अंडर द आर्टिकल अंडर आर्टिकल सेवनटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सेवनटीन बोलता है कि अनटचबिलिटी नहीं की जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट क्रीड ओके कलर ओके सो ये है आगे चलते हैं अब क्या था इस जजमेंट में द जजमेंट आइडेंटिफाइड प्रैक्टिस इन प्रिजन मैनुअल्स प्रिजन मैनुअल में उन्होंने आइडेंटिफाई किया आइडेंटिफाई मतलब देखा ठीक है क्या देखा उन्होंने दैट दैट मिररड मिरर मतलब भी होता है शो करना दिखाना बताना ठीक है मिरर करना द प्रिजन मैनुअल दैट मिरड अनटचेबिलिटी उन्होंने भी ये चीज़ देखा जजमेंट ने यह देखा कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो प्रिजन मैनुअल के अंदर हैं और वो क्या दिखा रही हैं वो अनटचेबिलिटी को दिखा रही हैं जबकि हमारा कानून या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है

फूड जो है वो सूटेबल कास्ट जो अच्छी हैं जैसे ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय हो गए इस टाइप के जो बड़ी बड़ी कास्ट है वो लोग तो खाना बनाएंगे फूड प्रिपेयर करेंगे एंड दैट द सटन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब होता है मार्जिन मतलब होता है रेखा कितना लाइन लगाकर कि भाई इधर ऐसे और इधर ऐसे तो एक लेयर लाइन लगा दी और उसके इस तरह वाले लोग अच्छे हो गए और उस लाइन के उधर वाले लोग को बोल दिया गया मार्जिनलाइज्ड लाइक आउट लॉज एस सी के बारे में है बेसिकली तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो हैंडल कर लेंगे क्लीनिंग टास्क को द सुप्रीम कोर्ट राइटली कंडेम कंडेम मतलब ये होता है क्वाश करना मना करना इनकार करना कि ये गलत है उसे हटाना दीज प्रोविजन्स इन रूल्स रेगुलेशन को उन्होंने क्या कर दिया हटा दिया कॉलिंग दैम अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हो कॉलिंग फिर से आ गया ना देखो आई एन जी कौमे के बाद आई एन जी वाली बर बार इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए कॉलिंग दैम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी ठीक है तो जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी है जिसमें टचेबिलिटी वगैरह नहीं होना चाहिए डिग्निटी सम्मान के बारे में बात करता है वो तो है ही नहीं अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो दिस ये जो चल ही नहीं रहा है आप तो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हो द रूलिंग ऑल्सो कंडेम्ड दैरगराइजेशन ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स कुछ डी नोटिफाइड ट्राइब है वही लोअर ट्राइब्स वगैरह उनका कैटेगराइजेशन कर दिया ठीक है इन्होंने तो इसने ये इस चीज को भी कंडेम किया है कंडेम करना मतलब वही मना करना इनकार करना कि ये गलत है क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज की ये चीज गलत है तो ये क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने इसे हटा दिया ठीक है एज हेबिचुअल ऑफेंडर्स रे एनफोर्सिंग रिन फोर्स मतलब वही रिन फोर्स करते हुए बताते हुए ज़ोर देते हुए हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स दैट फर्दर मार्जिनलाइज दीज कम्यूनिटीज़ ये इस बात पर जोर देते हुए कि कुछ ऐसे हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स है स्टेरियोटाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेरियोटाइप मतलब होता है कि इट्स काइंड ऑफ प्रेजडिस ओके प्रेजडिस मतलब हम किसी भी चीज़ को जस्ट देखते हैं और सिर्फ देख कर ही बोल देते हैं कि इस कहते हैं बस के ऐसा ही नहीं या तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता विदाउट इवन नोइंग कि वो है क्या सिर्फ ये देख करके अगर किसी के लोअर कास्ट है तो बोल जाए उसके तो बस कैसी है नहीं किसी को मोटा तगड़ा बोल जाए तो उसको बोल देंगे तो दौड़ ही नहीं सकता ये तो भाग ही नहीं सकता जबकि हो सकता है वो बहुत अच्छा रनर हो तो जस्ट किसी के बारे में तुरंत विचारधारा अपनी बना लेना और उसी विचारधारा को उसी बात को बार 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 जो सदियों से चली आ रही उस विचारधारा को ही स्टेरियोटाइप बोलते हैं जैसे विमेन के बारे में स्टेरियोटाइप है कि वो तो गाड़ी नहीं चला सकती वो तो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए ये स्टेरियोटाइप गलत होते हैं तो स्टेरटाइप्स ये जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स uh, की वगैरह वजह के या मार्जिनाइज ग्रुप में या कम्युनिटीज में इनको जोर देते हो कि ये और ज़्यादा ख़राब कर देंगे सच प्रैक्टिस हैव लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड क्रिटिसाइज मतलब उनको कंडेम किया गया है बुरा बताया गया बाई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसान या मानव अधिकारों के बारे में काम करती हैं फॉर रीनफोर्सिंग कास्ट हायर आकी जो ये कास्ट हायर आर्ज वगैरह हैं अनस्ट्रिपिंग मार्जिनलाइज प्रसर डिग्निटी स्ट्रिपिंग स्ट्रिप मतलब होता है छीनना डि और स्ट्रिप ऑफ स्ट्रिप ऑफ छीन लेफ देयर डिग्निटी उनसे उनका सम्मान छीन लेना ऐसे जो हायर आर् हैं जो सिस्टम है उनके अगेंस्ट ये ग्रुप्स जो हैं काम करते हैं Let's move आगे. As states revise, और जैसे जैसे स्टेट्स रिवाइज करते हैं देर प्रेजेंट मैनुअल्स विद इन दी मैंडेट थ्री मंथ्स दिस जजमेंट रिप्रेजेंट्स अ क्रूशल शिफ्ट ठीक है क्रूशल मतलब वही बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या वर्ड और लिख सकते हैं आप क्रूशल के लिए क्रूशल ठीक है इंस्ट्रूमेंटल क्रूशल इंस्ट्रूमेंटल एंड सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड सभी को पता होता बड़ा है बड़ा नॉर्मल है सो एक रिप्रेजेंट करता है एज इट्स रिवाइज देयर प्रिजन मैनुअल्स जब वो अपने प्रिजन मैनुअल्स को रिवाइज कर देंगे मतलब था के अंदर अंदर किसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैंडेटेड थ्री मंथ्स जो मैडेटेड मतलब जो मैंडेट मतलब ऑर्डर भी होता है मैंडेट मतलब ऑर्डर देना या ऑर्डर तो जो ऑर्डर दिया गया ना कि तीन महीने में ऐसा हो जाना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो दिस जजमेंट रिप्रेजेंट्स ए क्रूशल शिफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है चेंज एक बहुत ही बड़ा बहुत ही भयंकर बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल चेंज दिखाई देगा किसके तरफ चेंज दिखाई देगा टुवर्ड्स डिसमेंटलिंग द अप्रेसिव सिस्टम दैट कंटिन्यू टू हार्म द मोस्ट वल्नरेबल मोस्ट वलरेबल कौन है वलनरेबल वो चीज़ होती है जो क्या बोल सकते हैं जिसके ऊपर ख़तरा सबसे ज़्यादा हो जिस जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स परेशानियां सबसे ज़्यादा होंगी उनको हम वलनरेबल बोल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा वलनरेबल जो लोअर कास्ट हैं वो वलनरेबल हैं ठीक है अब जैसे कोई जाति किसी जीव की जाति भाई ये बीमारी फैल रही है इस, इस बीमारी में ये जीव मर रहे हैं तो उस बीमारी के लिए वो जो जीव होगा वो वलनरेबल हो जाएगा वलनरेबल जिसका किसी भी चीज़ का असर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा होता है वो वलनरेबल तो यहाँ पर इन सिस्टम का जो असर है ये पुराना ये असर सबसे ज़्यादा इन लोअर कास्ट के ऊपर है तो वो सबसे वलनरेबल है उनके जो अप्रेसिव सिस्टम है अप्रेसिव मतलब होता है किसी के खिलाफ अप्रेसिव मतलब हो गया जो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं अन्याय ठीक है और एक वर्ड हो होता है अत्याचार ठीक है अत्याचार तो जो इनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है अप्रेसिव सिस्टम अत्याचार वाला जो सिस्टम है ये मोस्ट वेलनेबल के लिए डिसमेंटल हो जाएगा हट जाएगा द डिसीजन हमें ये रिमाइंड हम करवाता है दैट जस्टिस एंड इक्वालिटी मस्ट एक्सटेंड टू ऑल एक्सटेंड मतलब है यहां पर पहुंचना रीच कि जस्टिस और जो इक्वालिटी है ये हर एक के पास पहुंचना चाहिए इंक्लूडिंग इंक्लूड करते हुए दोज बिहाइंड द प्रिजन वॉल्स सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि वहाँ पर भी जहाँ प्रिजन है प्रिजन के अंदर भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए ब्रिंगिंग देखो फिर से कॉमा के बाद कॉमा के बाद ये आयन जी वाले पर ब्रिंगिंग ये करते हुए क्या करते हुए लाते हुए सामने लाते हुए ब्रिंगिंग इंडिया क्लोजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन तो ये चीज़ करते हुए कि इंडिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रामिसज के करीब लाते हुए ऐसा वो कर रहे हैं ठीक है सो इट वॉज़ अबाउट आर्टिकल वट यू फील अबाउट इट इज़ इट राइट एंड वॉट शुड बी वेज अ अगमेंट शुड बी एंड वाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन चेंज दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन इनवर्स सोसाइटी एंड अगर आपने भी ऐसा कुछ अपनी सोसाइटी में देखा हो प्रेजडेस जो चीज़ होती है किसी के बारे में पहले से आप बोलते हो कि इसके बस की कुछ नहीं है या फिर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द राइट्स सो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं And you just don't have to be uh, biased that it is done by very educated people like Dada Sahib, uh, uh, Baba Sahib Ambedkar and all, who created this constitution. And one more thing to learn English, you have to stay tuned with me. And in this way, we'll be learning English along with the words and vocabulary, which is asked in most of the examinations, like SSC. and the thing which is written here can be asked in the question papers and essay types in all in even 10th even 12th class 10th class and even in upsc kind of papers thank you very much if you like this video please like share and subscribe have a great day